Hare Krishna, good evening and welcome all of you for a Saturday evening class. Every Saturday we have our Bhagavatam class. But today, because just on Monday, we are having the Pran Pratishtha of the Ram Temple at Ayodhya, which is a very historical event and which is having a lot of significance with respect to Sanatan Dharma also. So today we will take this opportunity of discussing this class on the topic of Lord Ramchandra Ji and his बर्थ. रामचंद्र जी के जन्म के बारे में आज हम लोग थोड़ी कथा सुनेंगे कि रामचंद्र जी का जन्म के बारे में कैसे हुआ एंड उसके पीछे क्या क्या गुड रहस्य है और हमको क्या पता चलता है. व्हाट डू वी लर्न. सो ऑल दिस वी विल डिस्कस. लास्ट सेशन द जूम लेक्चर आई हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड रिगार्डिंग द प्रिल्यूड रिगार्डिंग व्हाट इज धर्म एंड व्हाट आर द सब्जेक्ट मैटर्स जो रामायण में करेक्ट कवर हुए हैं. मेनली इट इज धर्म एंड शरणागति, दो चीजों को कवर किया है रामायण. इज मेनली कंप्राइजेस ऑफ धर्म एंड शरणागति एंड वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ हाउ रामायण वॉज रिटन बाय वाल्मीकि. हाउ वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि जी वॉज सिटिंग एंड अचानक नारद मुनि आए जो उनके गुरु थे और गुरु से उन्होंने क्या प्रश्न पूछा और गुरु को इससे हमको पता चला चलता है कि कैसे प्रश्न गुरु को पूछना चाहिए. लोग अक्सर आगे पूछते हैं, गुरु जी देखो ना हमारे हाथ देख के बोलो, मेरी शादी कब होगी, मुझे बच्चे कभी होंगे, मेरे नौकरी में प्रमोशन कब मिलेगा एंड ऑल दैट. ये सब सवालों के लिए गुरु नहीं होता है. गुरु तो आध्यात्मिक प्रश्न करना चाहिए. तो आध्यात्मिक प्रश्न कौन से किए उन्होंने, भाई कौन है उस श्लोक में जो महान है, जो मेरे लिए, जो इसके अंदर 16 गुण श्लोक में बोला गया था, 16 गुण के बारे में पूछा. और नारद मुनि ने बोला कि भाई ऐसे 16 गुण वाले लोग तो बहुत दुर्लभ हैं, मगर फिर भी एक व्यक्ति जिसके अंदर ये 16 के 16 गुण हैं, और वो कौन है? प्रभु श्री राम. प्रभु श्री राम. और वो कहां किसके बेटे हैं? दशरथ महाराज के बेटे हैं. और वो आप उनके बारे में पूरा डिटेल्स बताते हैं. ये सब सुनने के बाद जब अगले दिन अपने वाल्मीकि जी अपने शिष्य भरद्वाज मुनि और अन्य शिष्यों के साथ तमसा नदी पे नहाने गए और नहाते वक्त देखा उन्होंने बहुत खूबसूरत नदी थी, जंगल का मौसम भी सुहाना था, दो क्रौंच पक्षी वहां पे बड़े प्यार से अच्छे आवाज में गा रहे थे और दे वर इंडल्जिंग इन सेंशुअल प्लेजर. और इतने में एक हंटर, एक भेलिया ने तीर मार के, व्हेन दे वर एट द पीक ऑफ देयर सेंशुअल प्लेजर, एक तीर मार के, एक एरो मार के उस मेल बर्ड नर पक्षी को मार दिया. एंड उससे देखते हुए उसको खून में लथपथ जमीन पे गिरे हुए देख के मादा पक्षी रोने लगी, बड़े दुखी आवाज से रोने लगी. एंड लिसनिंग टू दैट, सीइंग दैट, वाल्मीकि बिकेम वेरी एजिटेटेड, ही जिटर्ड एंड इमीडिएटली गेव अ कर्स. एंड उन्होंने कैसा कर्स दिया? फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में ऐसा कोई कर्स दिया होगा. उन्होंने सिर्फ कर्स तो बहुत सिंपल दिया, हे भेलिया, हे हंटर, मां निषाद, कभी तू वे निषाद तुझे कभी प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी और शाश्वत समय के लिए शांति भी नहीं मिलेगी, मगर ये जो श्राप दिया वो कैसे निकला उनके मुंह से? एक कविता के रूप में, एक छंद के रूप में, एक श्लोक के रूप में, इन अ बैलेंस्ड ग्रामेटिकली परफेक्टली कंपोज्ड इट केम. एंड श्राप देने के बाद वो खुद सोच रहे हैं, मैंने कि ऐसा श्राप कैसे दे दिया. और जब उसके बारे में सोच ही रहे थे, नहा के पूजा पाठ करके घर जब वापस अपने आश्रम में आए, तब विचार कर रहे थे मैंने ऐसा कैसे श्राप दिया, वो भी ऐसे कविता के रूप में और ऐसे अच्छी तरह से मैं कैसे बताया. तब वहां पे ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा चिंता मत कर, मैंने तुझे ये श्लोक, ये श्राप देने पे मैंने प्रेरित किया था,
ताकि इसी जिस कविता में तूने ये श्लोक को बोला है उसी कविता स्वरूप में तुझे रामायण की रचना करनी है जो अभी अभी नारद मुनि तुझे बता के गए हैं, बाकी मैं तुझे बताऊंगा और मेरी कृपा से तुझे ये रामायण लिख पाएगा तू। तो फिर वाल्मीकि जी स्टार्ट्स राइटिंग एंड लिखने के बाद कंपोज करने के बाद आई एम जस्ट गिविंग यू द ग्लिम्स, आपको डिटेल वो लेक्चर आपको देखना पड़ेगा यूट्यूब में, मैं सिर्फ ऊपर ऊपरी जस्ट 4 मिनट्स का प्रिल्यूड दे रहा हूं मैं। तो उन्होंने कंपोज तो कर दिया, फिर सोच रहे हैं ये वाल्मीकि ये रामायण को पढ़ेगा कौन, इसका प्रचार कौन करेगा। जब सोच ही रहे थे अचानक दो युवक राजकुमार, कौन थे वो, लव और कुशक, it was not love and kusha, it was kusha and lava, kusha and lava came and fell at his feet, unke pair charan chue, to turant usne bola are ye to sahi bacche hain, ye do hi to mere liye sahi hai jo gyani bhi hain aur jinke andar ye sare gun hain aur bada meetha surila awaz hai inka, to ye gayenge isko, because valmiki ramayan is the only ramayan jise gaya bhi ja sakta hai aur padha bhi ja sakta hai. It can be read as well as it can be sung. It can be sung on any stringed instrument. Stringed instrument matlab veena, sitar, aise. Koi bolega guitar, try karke dekh lo. Mujhe pata nahi us zamane mein to guitar tha nahi. But as regards yes, veena and tambura and all, is pe gaya ja sakta hai. Ye khas kar iska ullekh hai Valmiki Ramayan. Tab jab itna उनको जब पाठ पढ़ाया, बच्चों को पढ़ाया, उनको बोला जाके गाओ, तब उन्होंने गाकर अपना पूरा ये रामायण सुनाने लगे। तो उसका एक दिन नजर पड़ा रामचंद्र जी के ऊपर, और कहाँ गा रहे थे, अयोध्या, अयोध्या। यू अटेंडेड द क्लास, नैमिषारण्य, इट वाज नॉट इन, मेनी पीपल मेक दिस मिस्टेक, आई मेंशन दैट क्लास, डोंट मिस आउट दैट लेक्चर, मेनी पॉइंट्स आर देयर। तो नैमिषारण्य में जब अश्वमेध यज्ञ चल रहा था उस समय रामचंद्र जी ने पूरा नगर वहां टेम्पररी, एक साल का यज्ञ है तो नगर को टेम्पररी मेकशिफ्ट हाउस बना लिया, घर बना लिया वहां पे। तो वहां जब राजकाज के काम से बाहर गए थे, आ रहे थे, तब मार्ग में देखा ये दोनों युवा बड़े प्रेम से बड़े अच्छी तरह से गाना गा रहे हैं, रामायण को गा रहे हैं, और पीछे पीछे पूरी जनता भी सुनते हुए आई है, काफी साधु संत भी सुन रहे थे। तो उन्होंने रामचंद्र जी उनको बुलाया, बोला आओ, और उनको अपने भाइयों के साथ बिठा के उन्होंने गाया, ये पूरा रामायण गाया। और जब ये रामायण गा रहे थे उस समय जितने भी लोग वहां थे वो मंत्र मुग्ध होकर बैठ गए थे, और गेट सम चैट्स ना फ्रॉम आउटसाइड, लॉट ऑफ चैट्स। तो मंत्रमुग्ध होके सुन रहे थे उसको, बड़े मंत्रमुग्ध होके सुन रहे थे। उस वक्त कुछ साधु संत तो बहुत खुश हो गए, उन्होंने कुछ ना कुछ पुरस्कार दिया उनको, किसी ने हिरण का चर्म दिया, तो किसी ने जनोई दिया, तो किसी ने लकड़ी काटने का कुल्हाड़ी दिया। जो साधुओं के पास है वही तो मिलेगा, सोना चांदी तो होता नहीं है साधुओं के पास, यही होता है, तो यही दे दिया उन्होंने। तो जब ये सब हो चुका था तो रामचंद्र जी स्वयं बोले लक्ष्मण को और भरत को और शत्रुघ्न को, ये जो रामायण सुन के बड़े मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, और इट इज प्लीजिंग माई हार्ट, मेरे दिल को भी शांति दे रहा है। Now, what do we understand from this? This is one of the last lokas of the third chapter of Valmiki Ramayana. इससे हमको ये पता चलता है कि रामायण सुनने से रामचंद्र जी को भी आनंद मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है रामचंद्र जी को अपना प्रशंसा अच्छा लगता है। तो क्यों सुन रहा था? मैंने बताया उस दिन, बोलो। तो रामचंद्र जी अपनी कहानी नहीं सुन रहे थे, सीता मैया को सुन रहे थे उसमें, इसके लिए उनको आनंद आ रहा था कि सीता की लीला उसमें है, इसके लिए रामायण से ज्यादा
इसका नाम होना चाहिए था सीतायन, बट सीतायन नहीं है, रामायण है, बट रामायण में ही सीता भी मिलती है, ये तो सीता को आपको वहां ऐसे नहीं मिलेगी। तो इससे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट्स, जिसमें पहला वर्णन होता है अयोध्या का, वर्णन होता है अयोध्या का राजा पूरा राज्य कैसा है उसका वर्णन डिटेल में होता है। एंड द बेस्ट पार्ट, उस जमाने में जो वैभव था उसका उल्लेख है। कहते हैं हर घर में, देयर वाज नेवर अ हाउस व्हिच वाज नॉट बिल्ट ऑन अ फ्लैटेंड ग्राउंड, मतलब ऊबड़ खाबड़ जमीन में घर नहीं थी, सब लेवल जमीन थी। बहुमाले बहुमारत की इमारत, मतलब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग उस जमाने में थी ना, हम लोग आज बोल के हम लोग खुश हो रहे हैं, उस जमाने में मल्टी स्टोरी थी। इट इज यहां तक मेंशनड है देयर आर अप टू 7 स्टोरीड बिल्डिंग्स, 7 माले तक का महल उस जमाने में अयोध्या में थे। एंड हाँ जी, तो ऑल दिस वॉज मेंशन वेरी नाइसली, एंड खासकर लोगों के गुण के बारे में बोला कि कोई दुखी नहीं था, कोई झूठ नहीं बोलता था, सब लोग खुश थे। खुश क्यों थे, कैसे थे, जिस जो था उनके पास उससे वो खुश थे। संतुष्टता पहला चीज होना चाहिए। लोग आजकल होने के बावजूद असंतुष्ट क्यों है, दिल मांगे मोर, है ना, है ना, जितना है उससे तो दिया ना, काफी दिया है ना, इतना दिया है कि ये आयु कट सकती है, फिर भी तो थोड़ा स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए, है ना, कल गाड़ी जाना चाहिए तो बड़ा गाड़ी होना चाहिए, घर बड़ा होना चाहिए, गहने तगड़े होने चाहिए। देयर इज नो एंड टू बेटरमेंट, बेटरमेंट का कोई एंड है, दैट्स व्हाई इवन द बेस्ट ऑफ द पीपल, अच्छा कोई अगर फॉरेन ट्रिप करके आता है, अब शांत हो जाते हैं, हमें फॉरेन ट्रिप करके आ गए, मैं खुश ना हो, आई एम सेटिस्फाइड, अब मुझे नहीं आगे फिर भी और लालचा रहती, कहीं और जाऊं। इसके लिए जो इफ यू सी इन वन ग्रुप ना, अगर आप कोई क्लब में या एक सर्कल में रहते हो ना, कुछ लोग अगर इस एक्स पॉइंट एक्स जगह पे जाके हैं ना, तो बाकी के लोग नेक्स्ट ईयर वहां जाते हैं, और जो ये जो पहले सेट जा गए ना वो दूसरा घूम जाते, क्यों, कहीं वो आगे नहीं निकल जाए, कहीं वो मेरे से ज्यादा खुश ना हो जाए। सो द बिगेस्ट थिंग इज पीपल ऑफ अयोध्या वेर सेटिस्फाइड एंड दे वेर ऑल धार्मिक। धार्मिक का मतलब अपने कर्तव्य को वो खुद ही निभाते थे। यहां पे लोग ज्यादा करके अक्सर दूसरों के धर्म के बारे में प्रचार करते हैं, खुद का देखो ना पहले, व्हाई डोंट यू सी योर ओन धर्म, वो नहीं देखेंगे, दूसरा कैसा धर्म निभाना चाहिए, ये सब का वर्णन बहुत खूबसूरत से किया गया है। और फिर उनके मंत्रियों के बारे में, कितने मंत्री कितने स्मार्ट थे, कितने वफादार थे, हाउ दे वर थिंकिंग अबाउट द वेलमेंट ऑफ द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। रामायण इज द बेस्ट मैनेजमेंट बुक, यू नो दैट, मैनेजमेंट पढ़ना है तो कोई यूनिवर्सिटी में मत जाओ, सिर्फ रामायण को ढंग से पढ़ लो, मैनेजमेंट पूरा समझ में आएगा। रामचंद्र जी ने बंदरों को मैनेज किया, हाँ, बंदरों को रखे, इतने सारे बंदरों मतलब मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल पर्सनैलिटीज, हाँ, कब कौन से पेड़ में कूद जाएंगे मालूम नहीं, उनको आप मैनेज कर रहे हैं, मतलब यू आर द बेस्ट मैनेजमेंट पर्सन, और बिना क्रोध किए, बिना चिल्लाए पागल है तो ऐसा क्या कर रहा है वैसा क्या, कहीं आपने देखा उल्लेख है किसी भी रामायण उल्लेख है कि उन्होंने ही लॉस्ट हिज टेंपर एंड वाज शाउटिंग, कूल रिलैक्स्ड। सो वी कम टू नो हाउ टू डू मैनेजमेंट, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू विल नो हाउ ब्यूटीफुल द मिनिस्टर्स वेर हु आर कंट्रोलिंग द एंटायर कंट्री एंड द ग्रेटनेस ऑफ द किंग। तो कहते हैं राजा और प्रजा दोनों को कैसे होना चाहिए, धार्मिक। अगर शास्त्र से वो अपना राज्य नहीं चलाएंगे तो वो कोई फायदा नहीं, शास्त्र प्रमाण करता है राजा को कैसे राज्य करना चाहिए और प्रजा को भी कैसे रहना चाहिए, ये शास्त्र में उसका भी उल्लेख है, हमको उसको भी फॉलो करना चाहिए। सो
So after all that, finally Dashrath Maharaj once was very sad talking to himself, and then he was crying, Mari, I don't have a son, मुझे लड़का पुत्र नहीं. कई सारे लोग कहते हैं पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है. तो पुत्र का क्या परिभाषा क्या है? What is the definition of पुत्र? पुत्र का मतलब क्या है? I knew it could be only you. नहीं, इसका उससे अधिक पुत्र का मतलब क्या है? तुम नाम के नरक को तारने वाला. ठीक है, इसके आगे तुम नाम का नरक कैसे तारेगा? मर आप गए हो, आपका पुत्र कैसे आपको तारेगा? श्राद्ध करके धार्मिक जीवन पहले निभाना पड़ेगा. आजकल तो बच्चे तो बोलते हैं श्राद्ध क्या कराना है, अंधेरा अनाथ आश्रम में जाके थोड़ा खाना खिला के आ जाता हूं. पंडित तो आजकल पोंगा पंडित है, खुद तंबाकू खाते हैं, खुद प्याज लहसुन खाते हैं, शराब पीते हैं, उनसे क्या, जैसे खुद दूध से धुले, जैसे खुद दूध से धुले हुए हैं. और वो लोग क्या कहते हैं, क्या श्राद्ध करना. याद रखना, भगवान आपके कार्य के पीछे देखते हैं, कार्य को आप कितना बखूबी किया है इसको नहीं देखते. हैव यू डन द वर्क, हैव यू पुट योर एफर्ट्स. जैसे एक टीचर आंसर पेपर जब चेक होता है ना, तो टीचर देखता है, हाँ बेचारे ने आंसर ट्राई करने, भले आंसर इज रॉन्ग बट एटलीस्ट आपने कोशिश तो किया है, भले 2+2 5 लिख दिया आपने, कम से कम उंगली में तो घुमाई था आपने, कुछ तो किया. इसके लिए स्कूल में मालूम एक रफ वर्क कॉलम रहता था पहले लेफ्ट साइड, आजकल है क्या पता नहीं मुझे, हाँ हम लोग या तो पीछे का, हाँ उसमें लिखते थे. वो जानबूझ के टीचर बोलती थी ताकि मुझे पता चले कि कहाँ तुम्हारा मिस्टेक हो रहा है. तो जब कोशिश होता है तो टीचर कम से कम ग्रेस मार्क्स दे देती है. तो उसी तरह अगर हम हमारा कर्तव्य ढंग से निभाएं, हमारे पिता प्रति, हमारे माता प्रति जो हमारा कर्तव्य है, वो जब तक ढंग से नहीं निभाएंगे तब तक माता पिता नरक में से कैसे तरेंगे? और सबसे बड़ी बात, जब तक आप स्वयं भक्त नहीं बनोगे माता पिता तरेंगे कैसे? इसके लिए कहा गया है, बेटा अगर पैदा करो तो उसे तीन चीज की उम्मीद रखनी है. एक, भक्त बनाओ. भक्त नहीं बना पाए ठीक है, देशभक्त बना दो. चलो देशभक्त भी नहीं बना पाए तो दानी बनाओ. क्योंकि आचार्यगण कहते हैं पुत्र और मूत्र दोनों एक ही जगह से निकलते हैं. पुत्र और मूत्र एक ही जगह से निकलते हैं. अगर पुत्र ने अपना पुत्र होने का कार्य किया तो ही वो पुत्र है, नहीं तो मूत्र समान है. This strong is our शास्त्र. तो it is always said that पुत्र के लिए दशरथ महाराज बहुत दुखी थे. तो बोल रहे थे क्या मैं पुत्र कहा, मेरे मुझे पुत्र नहीं है, एंड आई एम वेरी ओल्ड, एंड अभी तक मेरी इतनी शादियां भी हो गई पर फिर भी मुझे एक भी इतनी रानियों में से रामचंद्र जी का कॉल है. रामचंद्र जी का पिता दशरथ महाराज बहुत दुखी थे, किस तरह से मुझे पुत्र की प्राप्ति हो. तब उन्होंने एक प्रपोजल डाला वशिष्ठ मुनि को. वशिष्ठ मुनि कौन थे? कुल गुरु. कितने कुल से गुरु थे मालूम है? वशिष्ठ मुनि को कौन भेजा वहां पे कुल गुरु बनने के लिए? ब्रह्मा जी ने भेजा. हु सेड? हाँ ब्रह्मा जी ने भेजा था उनको, भैया आपको कुल गुरु बनना है इनका. वशिष्ठ मुनि बोले यू आर डिग्रेडिंग मी, डिमोशन. कुल गुरु बनना मतलब, पुरोहित बनना मतलब वेस्ट. क्यों? यजमान के हिसाब से चलना है. यजमान बोलेगा अरे कल बेटे का ये पूजा कर, ये पूजा कर दो, वो पूजा कर दो, सबको हामी हाँ मिलाना है, मैं नहीं करूंगा. तो ब्रह्मा जी ने बोला तुझे ही फायदा है. बोला क्या फायदा?
बोला तेरा फायदा ये है कि आगे जाके इनके वंश में भगवान प्रकट होने वाले। ऑन दैट कंडीशन वशिष्ठ मुनि एक्सेप्टेड दैट प्रपोजल ऑफ बिकमिंग कुलगुरु, एंड कुलगुरु इज द पर्सन, गुरु इज द पर्सन टू हिम वन शुड डिस्क्लोज हिज डिजायर्स, एंड द गुरु विल टेल वेदर द डिजायर्स आर लेजिटिमेट और नॉट, सही है या गलत है, इच्छाएं आपकी सही है गलत है आपको पता हो, आपकी तो बहुत सारी इच्छाएं निकली। कल किसी का इच्छा लगे मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं, इच्छा आने में मन में क्या, मन में इच्छा आने का कोई कोई यही नहीं है, रोक टोक ही नहीं है उस पर तो। अगर इच्छा अगर सही है या गलत है पता कैसे चलेगा, गुरु बोलेगा नहीं ये इच्छा गलत है निकाल दे। तो वन शुड बी गाइडेड बाय द सेकंड। ही सेड मैं सोच रहा हूं कि मैं अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ क्यों करना चाहिए, दशरथ महाराज कौन थे, हु वाज दशरथ महाराज, राजा और क्षत्रिय और किसके लिए लड़ते थे, देवताओं के लिए लड़ने वाले राजा थे। यूज टू गो एंड फाइट इन द अगेंस्ट असुरास, यूज टू फाइट फॉर द देवतास, इतने महान राजा, मतलब जिन देवताओं की हम लोग पूजा कर करके थक गए और कभी किसी का दर्शन नहीं हुआ, वो देवता स्वयं आके दशरथ महाराज को बोलते थे प्लीज आइए फाइट फॉर अस, उनके साथ खड़े होकर लड़ते थे। तो सोचिए कितने प्रतापी कितने महान रहे, इतना सब बावजूद होने के बावजूद ही वॉज थिंकिंग मेरे अंदर पुण्य कम है, पुण्य होगा तो ही पुत्र प्राप्त होगा, पुण्य कम है तो पुत्र प्राप्त नहीं होगा। टू हैव ए मेल चाइल्ड इज नॉट ए पुत्र, प्लीज अगेन आई रिपीट, आजकल पुत्र मतलब एटीएम कार्ड बन गया है, उसके अंदर थोड़ा इन्वेस्टमेंट करूंगा और जब उसकी ब्याह होगा स्पेशली अवर इंडियन सिंह डौरी मांगेंगे, ये मांगेंगे, वो मांगेंगे, गाड़ी मांगेंगे, क्या क्या मांगते हैं पता नहीं, काफी नॉट्स अ वेरी डर्टी प्रैक्टिस, दैट्स नॉट द पर्पस, पर्पस इज टोटली डिफरेंट। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपके अंदर उतने पुण्य होने चाहिए कि आपको एक पुत्र प्राप्त हो। तो उन्होंने सोचा कि मेरे पुण्य शायद कम है इसके लिए मुझे पुत्र नहीं हो रहे, तो मैं अश्वमेध यज्ञ करता हूं। जब वशिष्ठ मुनि ने यह सुना बहुत खुश हो गए, आप सही कर रहे हो, क्यों जो भी इच्छा है उसकी पूर्ति कैसे होनी चाहिए, एज पर शास्त्र, धर्म अनुसार, एज पर शास्त्र, शास्त्र के विधि के हिसाब से उस इच्छा को पूरी करनी चाहिए। अगर इच्छा सही है तो हम लोग अक्सर अपनी इच्छा को कैसे पूरी करते हैं, शास्त्र संबद्ध करते हैं क्या, वी जस्ट ट्राई टू डू इट आवर ओन वे, एंड उसके लिए कोई भी वे चलेगा, एवरीथिंग इज फेयर, लव वॉर एंड फुलफिलिंग डिजायर्स, तीन है आजकल। तो भगवान कहते हैं क्या, शास्त्र आचार्यगण कहते हैं कि शास्त्र संबद्ध आपने इच्छा की है इसके लिए आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी, वेन एवर, दैट इज वाई कोई भी अनुष्ठान करो, इवन कोई व्रत पाठ कर लो, कोई बात नहीं, कोई गलत नहीं है, बिकॉज दैट इज ऑल शास्त्र संबद्ध। बट तकलीफ क्या है, वो बहुत ही निचले स्तर का है, इट इज नॉट ऑन ए हायर लेवल, इट कम्स अंडर कर्मकांड लेवल। बट ठीक, पुत्र की इच्छा हुई और उसने इच्छा को प्राप्त करने के लिए अगर शास्त्र का सहारा लिया और अश्वमेध यज्ञ किया तो कोई बात नहीं। कल मैंने ऑलरेडी थर्सडे को मैंने अश्वमेध यज्ञ के बारे में बता दिया था डिटेल, तो आई गिव द ऑल द डिटेल्स अबाउट दैट, इफ एनीवन इज प्लानिंग डोंट प्लान टू डू द अश्वमेध यज्ञ। पहला चीज तो इतना पैसा भी नहीं है आजकल किसी का, इवन अंबानी विल नॉट बी हैविंग दैट मच ऑफ फंड टू डू एन अश्वमेध यज्ञ, एंड नेदर हमारे पास आज वो पंडित हैं ना अपने हारे अंदर वो सामग्रियां मिलेगी आपको आज, तो वो सामग्री है पर पहचानने वाला व्यक्ति नहीं रहा। सो सो व्हेन ही सेड मैं अश्वमेध यज्ञ कर रहा हूं, ठीक है करेंगे, तो तुरंत सुमन को बुलाया गया, सब राजाओं को अरेंज किया गया, ये वो सब। उसी समय वशिष्ठ मुनि बोले एक मिनट राजा आपसे कुछ पर्सनल बात करनी, ये तो उन्होंने सभा में बात की, वो जब पर्सनल बात करनी तो अकेले में बोले,
बोला राजा आपको पुत्र होंगे इसका गारंटी है। बोला कैसे? मैंने एक बार चतुर कुमार सनक सनातन सनंदा जो चार कुमार है ना उनको बात करते हुए ऋषि मुनियों के साथ बात करते हुए देखा। ऋषि मुनि पूछ रहे थे कि हमारे राजा दशरथ बेचारे दुखी रहते हैं, उनको कोई पुत्र नहीं है, कई साल पहले ही बात है। तो उन्होंने बोला हाँ राजा दशरथ को पुत्र होगा और पुत्र भी कौन सा होगा? स्वयं भगवान उनके पुत्र होंगे। सुनकर बहुत खुश हो गया, वाह ये पुत्र होंगे वो भी भगवान, मेरा बच्चा बन के आएगा ना। और उसके पीछे पूरी कहानी भी बताई थी चतुर्कुमार ने, तो उस हिसाब से आपका पुत्र होगा। उन्होंने पूछा कैसे कैसे कैसे? बोला देखो भाई वो एक अपने बेटी ऑलरेडी दशरथ महाराज हैड ए डॉटर इन द नेम ऑफ शांता, शांता नाम की पुत्री थी जिनको उन्होंने रोमपाद नाम के राजा को अपने दोस्त थे वो उनको दे दी। उसके पीछे दो मते हैं, एक तो वो दोस्त था, दूसरा एज पर द कुंडली ज्योतिषों ने बोल दिया था कि अगर ये लड़की अयोध्या में रहेगी तो अकाल कुछ भी तकलीफ आ सकता है। एंड शी वॉज बॉर्न स्लाइटली क्रिपल्ड, बट द मिनट जिस वक्त उसको रोमपाद के वहां दे दिया था अयोध्या के ऊपर का जो तकलीफ था वो भी टल गया और ऊपर से वो भी ठीक हो गई। सो इज ऑलरेडी मेंशन द अदर रामायण्स, तो इसके लिए उन्होंने दे दी थी। बोला आपके दामाद, अब उसका जो भी पति होगा वो दामाद, आपके दामाद आके पुत्र कामेष्टि यज्ञ करेगा तब आपको पुत्र होगा। बोला ये मेरा पुत्र कामेष्टि यज्ञ करूंगा और पुत्र होगा, कैसे कैसे बताओ? तब पूरा विस्तार से बताते हैं आपका दामाद का नाम कौन है, क्या है? ऋषि श्रृंगी, ऋषि श्रृंगी विल बी योर सन इन लॉ एंड ही इज अ स्पेशल पर्सन। क्या स्पेशल है राजा श्रृंगी ऋषि श्रृंगी में? वो ऐसा व्यक्ति था जो अपने पिता के छत्र छाया में पला बट कभी जीवन भर कभी किसी स्त्री को नहीं देखा उसने। ऐसा कोई हो सकता है जिसने कभी स्त्री को ना देखा? कम से कम किसी और को ना सही, अपने मां को तो देखेगा ना, उसने अपनी मां को भी नहीं देखा था। दैट वॉज ए स्पेशलिटी। दशरथ महाराज मोर एक्साइटेड, बताओ बताओ प्लीज एक्सप्लेन टू मी व्हाट इज द ग्रेटनेस ऑफ ऋषि श्रृंगी। तब उन्होंने उनका हिस्ट्री बताया। ऋषि श्रृंगी फादर वॉज ऋषि विभांडक। तो ऋषि विभांडक वंस वॉज इन द फॉरेस्ट डूइंग स्ट्रिक्ट ऑस्टेरिटीज, कड़ी तपस्या कर रहे थे उस समय हर्षा नाम की एक अप्सरा आई, बहुत ही खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत। तो जानबूझ के इंद्र भगवान ऐसे ऐसे अप्सरा को भेजते रहते हैं, जब भी कोई ऋषि मुनि तपस्या करते हैं ना तो इंद्र को टेंशन आ जाता है कि कहीं मेरा कुर्ची छिन ना जाए, तो अप्सराओं को भेज देता है। विश्वामित्र मुनि के साथ भी ये हुआ था ना, मैंने कहा वो इसके लिए भेजा था। तो जब उसको देखा ही डिस्चार्ज हिज स्पर्म्स, शी वाज सो ब्यूटीफुल निम्फ फ्रॉम द स्पिरिचुअल द हेवनली प्लैनेट्स। तो got maddened and he discharged. She said, I have come here to break your तपस्या, आपका तपस्या तोड़ने में आई थी, मुझे कोई आपसे शादी करना है, आपका बच्चों को संभालने का इंटरेस्ट नहीं है, मैं जा रही। और उसने वो जो वीर्य था जो उड़ीसे स्पर्म्स उसको एक हिरण के अंदर डाल दिया एंड शी वेंट अवे। उसका कार्य हो गया, उसका तपस्या भंग करना था वही उसका कार्य था उस हर्षा नाम के अप्सरा का। तो जैसे ही उसने तोड़ दिया उसको, मतलब उसकी तपस्या तोड़ दी, उसका काम हो गया, वो चली गई। तो यहां पे ऋषि श्रृंगी अगला दिन सुबह जाके देखते हैं एक ही दिन में वो हिरण ने एक बच्चे को जन्म दिया, एक बच्चे को जन्म दिया और वो था एक लड़का। मगर स्पेशलिटी क्या था उस लड़के में? उसके सिंह थे, जैसे हिरण को सिंह होता है ना, स्टैग हैज हॉर्न्स राइट, ही हैड हॉर्न्स।
इसके लिए उसका नाम रखा गया ऋषि श्रृंगी। श्रृंगी मीन्स हॉर्न्स। एंड जब उन्होंने देखा कि उन्होंने योग पावर से देखा कि समझ में आया कि ये तो मेरा ही पुत्र है, और वो अप्सरा ने छोड़ दिया, ठीक है मैं अभी कभी इसको किसी औरत के कांटेक्ट में या औरत के नजदीक भी आने नहीं दूंगा। तो उन्होंने अपने आश्रम में रखा था। He had never seen a female deer, he had never seen a female tigress also, he had never seen a female lady also. So he doesn't never knew what is a female. ऐसा जब ऋषि या ब्राह्मण रहेगा, वो जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ करेगा, वो आपको पुत्र होगा। मतलब ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ये मेरा दामाद कैसे बना? जब उसने कोई भी स्त्री को नहीं देखा तो मेरा दामाद कैसे बना? तब वशिष्ठ मुनि आगे बताते, एक बार राजा रोमपाद को राज्य में अकाल आया, भीषण अकाल, न खाने को न पीने को कुछ नहीं था। तो अब क्या करें? आई मीन आचार्य कैन गो टू से टू एन एक्सटेंड दैट इट वेंट, अकाल वेंट फॉर 12 years, बट द प्लानिंग इन दोज डेज वॉज सो नाइस, डिजास्टर मैनेजमेंट वॉज सो नाइस कि 12 साल तक उनको पता भी नहीं चला कि अकाल हुआ। एवरीवन वाज गेटिंग फूड एंड वाटर, इतना बढ़िया स्टोरी सिस्टम एंड ऑल दैट। बट जब उनको पता चला क्या करें, तो सब ऋषि मुनि ने पूछा कि भाई रोमपाद ने ऐसा क्या गलती किया? कैसे? कभी भी याद रखना, अकाल वगैरह कुछ होता है ना, उसके पीछे का कारण होता है। नेवर एन अकाल हैपेंस और फैमिन डजंट टेक प्लेस ऑफ इट्स ओन, उसके पीछे कोई रीजन होता है। एंड द रीजन वॉज ही हैड वंस इंसल्टेड अ ब्राह्मणा। तो जब ब्राह्मण को इंसल्ट हुआ, वो अपना राज्य, रोमपाद का जो राज्य था वो छोड़ के चला। जैसे वो गया, बाकी के ऋषि मुनि भी उसके साथ चले। जहां ब्राह्मणों का वैल्यू नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, हम क्यों रुके? When they all went away, यज्ञ होना बंद हो गया। तभी देवी देवता भी कोपित हो जाते हैं और बारिश नहीं हुई। सो इन द 6th चैप्टर ऑफ भगवद्गीता एवरीथिंग इज रिटन, दिस इज अ साइकिल। जब यज्ञ होता है, यज्ञ से देवता खुश होते हैं, देवता खुश होकर आपको बारिश देते हैं, बारिश से आपके अंदर धरती पे बीज उगता है, नहीं तो बारिश नहीं होगा तो बीज नहीं उगेगा। बीज जब उगता है तो उसमें से वापस आप अन्न मिलके आपको पौष्टिकता मिलती है, आप फिर उसमें से वापस यज्ञ करते हो। दिस इज अ साइकिल, जैसे आपका वाटर रिसाइकल रहता ना, वैसा ये भी रिसाइकल। तो ठीक है, तो अब मैं क्या करूं? तो मतलब एक काम करो, जब तक ऐसे ऋषि को नहीं लाओगे जिसने कभी स्त्री को नहीं देखा, आपके राज्य में बारिश नहीं होगा। ठीक, अब इसको लाएं कैसे? सब लोग विभांडक ऋषि से बहुत डरते थे। विभांडक ऋषि वॉज वेरी 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 एंग्री पर्सन, और उसको ऐसे कार्य के लिए अगर बेटे को पूछेंगे तो श्राप दे देंगे, वो जाएगा कौन? सब लोग राज्य का इंटरेस्ट में थे, मगर कोई जाने को तैयार नहीं। एवरीवन डिनाइड, इंक्लूडिंग द मिनिस्टर सेड नो, बट दे सेड वी हैव अ फुल प्रूफ प्लान। मतलब क्या फुल प्रूफ प्लान? हमारे जो नर्तकियां जो है, दैट इज द डांसर्स ऑफ द कोर्ट, कोर्ट डांसर्स जो बोलते हैं ना, और राज नर्तकी क्या बोलते हैं, राज नर्तकी, तो उनको हम पैसे के लालच करके उनको हम भेजते हैं। तो राजा बोला ठीक है भेज, उसको भेज दिया, उन नर्तकी को भेज दिया। और वो नर्तकी कैसे गए वहां पे? बोट, एक आइलैंड जैसा एक बोट बना दिया जिसमें सारी सामग्री हो, लेके उनके नजदीक के थ्रू अपना समुद्र के किनारे से वहां गए उसके पास। देयर आर वेरियस चेंजिंग एस्पेक्ट्स ऑन दिस। सम पीपल से दे वेंट एंड कैंप्ड नियर द समाचार से दे वेंट एंड कैंप्ड नियर द प्लेस वेर विभांडक ऋषि आश्रम वॉज सर, एंड देवर डेलिबरेटली वो लोग बाहर आके नाचते थे, गाते थे, खेलते थे, ताकि कभी ना कभी तो
ऋषि सिंह के आए और उसको देखे। और योगा योग से एक दिन ऐसा हुआ कि विभांडक ऋषि किसी और आश्रम में, उनको बुलाया गया था कोई पूजा के लिए, तो वो वहां चले गए। जब वो वहां चले गए उसी दिन विभांडक ऋषि बाहर निकले थे थोड़ा समित वमित लेने के लिए जो यज्ञ में लगता है। तब उन्होंने एक विचित्र तरह के साधुओं को देखा। और ये साधु कौन थे? ये नर्तकियां थी, कि उसने कभी औरत जात देखी नहीं थी। उसने वॉज एक्साइटेड एंड कंफ्यूज कि भाई ऐसे कैसे हो सकते है, ये कोई शायद दूसरे आश्रम से आए हुए साधु होंगे। उनको पूछा आप कौन है, तो उन्होंने पूछा आप कौन है पहले बताओ। तो उन्होंने शुरुआत की, मैं विभांडक का पुत्र ऋषि श्रृंगी, इस आश्रम में रहता हूं, पूरा डिटेल बताया। अच्छा, और व्हाट अबाउट आप लोग कौन है? बोला हम भी, हमारा आश्रम इधर एक नजदीक में ही है, आप आ सकते हो हमारे आश्रम में। और उन्होंने बोला ठीक है हम आपके आश्रम में आते हैं, पहले आप आइए हमारे आश्रम में, हमारे क्या बोलते हैं अतिथि सत्कार, सत्कार ना, अतिथि सत्कार लीजिए, वेलकम माय, एक्सेप्ट माय वेलकम जेस्चर, आई विल गिव यू नाइस फ्रूट्स एंड रूट्स। तो उन्होंने खिलाया, बट दीज लेडीज वर ऑल इन टेंशन, कब आ गया विभांडक और कब श्राप दे देगा मालूम नहीं, जितना जल्दी हो सके भाग लो। सब थोड़ा थोड़ा खा लिए, बोला ये तो अच्छा था, हमारे पास इससे भी बेहतर कंदमूल फल है, आप आइए हमारे आश्रम। पर ऋषि श्रृंगी वॉज वंडरिंग ये ऐसे कैसे मीठे स्वर में बात कर रहे हैं, इनके हाव भाव अलग हैं और उनका छाती आगे है, ऐसा क्यों? बिकॉज ही हैज नेवर सीन, सो फॉर हिम इट वॉज अ बिग क्वेश्चन मार्क। एंड फाइनली देयर लेडीज वर वेरी स्मार्ट, दे ऑल एम्ब्रेस्ड हिम, उनको आलिंगन करके बाय बाय बोल के गए। होल नाइट दिस फेलो कुड नॉट गेट स्लीप, he was, that is why आचार्य से अगर किसी चीज से आपके पुत्र या पुत्री को आप बचा के रखना चाहते हो तो उस चीज का ज्ञान दो पहला। Many people make this, see one thing I'll tell you, the entire Ramayana is nothing but the Vedas which is giving you the way of how to live a life. One may only show goody things to the child, but the day something bad is shown to him, he may get attacked. So show him both and tell him how one has to be decisive, one has to be distinctive, and he has to take a call. This is good for me and this is bad for me. Because you cannot change the destiny. Law ko aap change nahi kar sakte. To agla din subah ऋषि सिंह ने सोचा नहीं, उन साधुओं ने बुलाया, मुझे वहां जाना चाहिए, अच्छे साधु, अरे अच्छे साधु थे। सी दिस इज अ मैनली नेचर, बाय डिफॉल्ट इज गेटिंग अट्रैक्टेड टू दोस ऑपोजिट सेक्स विदाउट रियलाइजिंग दैट दे आर वुमेन। तो अगला दिन उनके आश्रम में चले गए, वो लोग भी खुश हो गए, आइए आइए आइए, स्पेसिफिकली इट इज रिटन उनको मोदक खिलाया। द वर्ड मोदकम इज यूज्ड इन द रामायण, उनको मोदक खिलाया इन नर्तकियों ने, उसको लगा कोई फल रहेगा, उसे कभी जिंदगी में चूल्हा देखा नहीं था, खाना पका के खाया नहीं था, तो उसको क्या लगा कोई फल होगा, बड़ा अच्छा मीठा फल है, तो ये तो कुछ नहीं है, तो सैंपल फल है, हमारे गांव चलो अच्छे अच्छे फल खिलाएंगे। और जो जिभा ने कभी खाना नहीं खाया उसको अगर पहली बार मोदक वगैरह अच्छे अच्छे फूल फल मिल जाए, खाने को मिल जाए, जो व्यंजन बनाया के खिलाया गया था, को क्या कहने, इसे चलो चलो मैं आपके राज्य में चलने को तैयार हूं। अभी तक विभांडक ऋषि आया नहीं, जिस पिता ने इतने साल से पाल पोस के बड़ा किया, हाँ, सो डोंट वरी, नथिंग हैपेंस इन दिस एज आल्सो, इन दिस एज आल्सो थिंग्स हैपन ना, माँ बाप बोलते ना इतना जिंदगी तुझे पाल पोस के बड़ा किया और एक दिन तू गायब हो गया। ये उस जमाने से चला आ रहा है। तो ऋषि श्रृंगी इमीडिएटली went with those नर्तकीस, और जिस मिनट वो रोमपाद के राज्य में पैर रखे तुरंत बारिश आ गई, तुरंत बारिश आ गई,
जाके रोमपाद स्वयं गए, उनका स्वागत किया और उन्होंने बोला कि आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको मेरी बेटी से विवाह करना है, विवाह करना। उसके पीछे भी प्लानिंग था। अब अगला दिन उसको पता था विभंडक ऋषि आएगा, गर्म हुआ, जिस वो मैं औरत साथ से दूर रखा था उसको परीक्षा नहीं करा। I mean that's something which was not expected by विभंडक। वो भी एक दिन के लिए गया मैं बाहर, इतने में इतना मामला गड़बड़ गया। तो इमीडिएटली जैसे ही वो लोग आए, विभंडक ऋषि आए, रोम पास जाके पैर में पड़ी और श्राप आप मत देना, पहले इतना घर से मैं बाहर निकला हूं, अभी बारिश आया, श्राप मत देना, आपका बेटे का शादी हो गया मेरे पुत्री के साथ, अब वो भी राजा है। और अगर आपने श्राप दिया तो आपके पुत्र के राज्य में ही श्राप लगेगा। यू नो व्हेन जोधा वॉज मैरिड टू अकबर, इट वॉज द ब्रेटेस्ट प्लानिंग डन बाय द मारवाड़ किंग्स, द किंग्स ऑफ राजस्थान, बिकॉज दे डिडंट वॉन्ट ब्लडशेड। इसके लिए उन्होंने उनकी बेटी को ब्याह करा दिया एक मुसलमान या मुगल राजा के साथ, ताकि कम से कम यू नो स्टेटस क्यू में भी मेंटेन फॉर सम ईयर्स। तो दिस वॉज ऑल्सो समथिंग लाइक दैट, कि ही डिडंट वॉन्ट एनी श्राप, अगर श्राप लगे तो आपके बेटे के राज्य में लगेगा श्राप, तो श्राप मत। तो विभंडक ऋषि ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तूने शादी कर लिया कोई बात नहीं है, एक पुत्र होने तक तुझे यहां रुकना है, जैसे तेरा पुत्र हो जाएगा तुझे तुझे वापस आश्रम। बेटे ने भी हां बोल दिया। तो तब से ऋषि श्रृंगी और शांता दोनों साथ में रह रहे थे। बोला एक काम करो, आप जाओ अभी और आपके दामाद को लेके आओ, गेट योर सन इन लॉ, और उसको बोलना पुत्र कामिष्टि यज्ञ करने के लिए, आपको जरूर पुत्र होंगे। तो उसने तुरंत हाथी घोड़ा सब तैयार किया और रोमपाद के राज्य में गए। रोमपाद वॉज अ गुड फ्रेंड अतिथि, वहां पे जाके दो दिन रुके, छह रात और सात दिन, ऐसा इट्स मेंशन, दैट पीरियड इज मेंशन द वाल्मीकि रामायण। उतने दिन तक वहां वो रुके, कुछ नहीं बात की, सब जनरल बात, हाय हेलो दोस्ती यारी दोस्ती, दिस अगेन ए मैनेजमेंट टिप, इफ समवन हैज सम वर्क डोंट जस्ट कम टू द पॉइंट, हे आई वांट दिस, फर्स्ट गो एंड एक्सप्रेस योर जनरल एटीट्यूड एंड फीलिंग्स टुवर्ड्स दैट पर्सन, देन ओनली यू कैन आस्क फॉर एनीथिंग स्पेसिफिक। तो फर्स्ट सिक्स डेज, सिक्स नाइट, सेवन डेज ही स्पेंट ओवर दैट, and then he told Rompal, he didn't tell directly his own damad, he could have told na, apne damad ko directly bol sakta tha, are aao mera puja karke do, mujhe putra chahiye, usne kya kiya, aaja Rompal ko ki agar aap aapke damad ko bhejenge to mera kalyan ho jayega, to raja Rompal ne fir rishi shringi ko kaha, aur fir rishi shringi taiyar hue shanta ke sath वापस अयोध्या आए, और इस इन द मिटवीन ऑलरेडी अश्वमेध यज्ञ हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, एंड उसके बाद अश्वमेध यज्ञ की तैयारी के ऊपर एक काफी बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उसमें किसी इम्पोर्टेंट भाग बताता हूँ मैं, जो हमको समझना है कि हमारा शास्त्र कितना इनडीप्ट है। व्हेन द प्रिपरेशंस ऑफ द अश्वमेध यज्ञ वॉज गोइंग ऑन दैट टाइम, दशरथ महाराज टेल्स This ministers, take care, संभाल लेना कि एक भी गलती न हो, यज्ञ में एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। कहते हैं कि ब्रह्म राक्षस, जैसे ऐसे कोई यज्ञ होता है ना, ब्रह्म राक्षस पहले वहां पहुंच जाते हैं, ऑन टाइम ऑन डॉट, और ये ब्रह्म राक्षस आके गलती के लिए राह देते हैं, जैसे कोई गलती हुआ करता को ही नष्ट कर देते हैं। दैट इज वाई कलयुग में यू कॉन्ट थिंक अबाउट अश्वमेध यज्ञ एंड ऑल दोस थिंग्स। इनफैक्ट कोई भी यज्ञ आप कर रहे हो या अनुष्ठान कर रहे हो, देन इट हैज टू बी डन फॉलोड वेरी स्ट्रिक्टली। हीज ब्रह्म राक्षस, जस्ट वेट, ब्रह्म राक्षस मीन्स वॉट, हाईली एजुकेटेड विद्वान है,
but they are using that knowledge for wrong purposes. इसके लिए ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म राक्षस उस जमाने से आज भी है ना, कितने ब्रह्म राक्षस आ गए, बोले रामचंद्र कहाँ थे प्रूव करो, हम तो मानते नहीं, सो ब्रह्म राक्षस, मॉडर्न ब्रह्म राक्षस बड़े जुट जाते हैं, सब प्रूव कर, नकली है, नहीं भगवान नहीं है, भगवान का वजूद ही नहीं है, सब प्रूव करने के लिए खड़े रहते हैं, ये सब ब्रह्म राक्षस. Immediately, you will all get, we will all get destroyed. यज्ञ तो गया ही गया, यज्ञ का आयोजक जो है वो भी जाएगा. तो he gives a very strict instruction. The yajna goes on. Finally, he comes and he does the putra kamishti yajna. And finally, from the yajna, a beautiful 400 form of the Lord, like Dhanvantari, comes out. यज्ञ कुंड से आते हैं बाहर. और यज्ञ से आके उनके हाथ में एक बड़ा घड़ा है, चांदी का घड़ा, सोने का ढक्कन. कैसे चांदी का घड़ा, घड़ा ने कैन से सुराई सुराई एंड ऊपर ढक्कन कैसा, तो लेके खड़े थे. एंड उस श्लोक में उल्लेख है, बहुत खूबसूरत से उल्लेख है, कि ही वॉज होल्डिंग दैट घड़ा, दैट पॉट और दैट पिचर वेरी क्लोज टू हिमसेल्फ, एज इफ one would hold his beloved wife. What does this mean? This means he knew very well what was the content inside. And then he removed the, he gave that to Rishi Shringi, that ye jo aapne yagya kiya uska phal hai ye. And then Rishi Shringi gave it to Dashad Maharaj, who then divided it. Division happened. Everyone knows half was given to Kaikeyi, then whatever half was left, usme se half was given to Subhitra, and then what was left, uske do tukde bane, half was given to Kaikeyi and half was given to Sumitra. Kaushalya, first half was given to Kaushalya. Kaushalya ko baad mein kuch nahi diya, aadha de diya, isko do bhaag, that is why usko do putra. सुमित्रा को दो पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, यहां भरत और वहां पे रामचंद्र जी. नाउ व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस मैथ्स, आई रिपीट वंस अगेन, लेट मी सी हाउ मेनी आर अटेंटिवली लिसनिंग एंड एबल टू डिराइव सम सेंस फ्रॉम इट. हाफ वॉज गिवन टू कौशल्या, जो बचा था उसमें से हाफ वॉज गिवन टू सुमित्रा, जो बचा था उसको वापस दो भाग करके एक भाग दिया कैकेयी को और एक भाग दिया सुमित्रा को. तो सबसे ज्यादा किसको दिया, तो हाउ कैन समवन से कैकेयी वाज द मोस्ट डियर वाइफ ऑफ दश, इनफैक्ट शी गॉट द मिनिमम. अ लेडी कैन बी ब्यूटिफुल, she can attract her husband, but if you want to win your heart, win his heart, then she has to be a nice lady. Beauty can win attractions, but cannot win hearts. It cannot win hearts. A nature of a lady can win the heart of the husband, not the beauty. So, jitne bhi aap logo ladies beauty parlor jana chaho, koi problem nahi. But end mein, it is a nature which is more important for a righteous person. That is why people generally say, अरे राजा को कैकेयी बहुत पसंद थी. पसंद थी, अगर ऐसा था तो आधा कैकेयी को देना चाहिए था, उसने जाके कौशल्या को दिया. Not just because she was the eldest wife or the first wife, because he loved her the most. He could have given the ulta na, 1/4 इसको देके उसको आधा दे सकता था. Many people make it. There are so many things people come up with, points which do not have any logical understanding. जैसे मैंने एक point last week बोला था, अगर याद हो तो, वसुदेव broke his promise, whereas दशरथ kept up his promise. How can you compare an apple to an orange?
दशरथ महाराज वॉज कमिंग फ्रॉम रघुकुल, रघुकुल री सदा चर्याय प्राण जाए पर वचन ना जाए, उनका वचन निभाने के लिए उन्होंने अपने बेटे तक को त्याग दिया। और बेटे ने जब उसको पूछा गया, भरत ने बोला आजा वापस, मैं बोल रहा हूं मुझे राज्य नहीं चाहिए, आजा। व्हाट डिड ही से? नहीं, मैंने एक बार वचन दिया है पापा पिताजी को, तो मैं वो पूरा करके आऊंगा। एंड कृष्ण कहानी में फ्रॉम द डे वन चीटिंग चल, फ्रॉम द डे वन चीटिंग चल, कम्स को आया नहीं, कम्स को पहला बेवकूफ बनाया। महाभारत युद्ध वॉज नथिंग बट चीटिंग, बट ऑल दिस चीटिंग वॉज जस्टिफाइड बिकॉज ही हैड टू एस्टैब्लिश धर्म। सो धर्म अगर आपको अगर एस्टैब्लिश करना है, उसके लिए अगर आपने गलत रास्ता भी लिया तो भी सही है, मगर अपने स्वार्थ या अपने फायदे के लिए आपने अगर गलत रास्ता अपनाया तो वो गलत हो जाता है। शास्त्र डजंट अप्रूव इट। सो दैट इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड रामायण एंड कृष्ण कथा। कृष्ण की कथा और राम की कथा में ये अंतर है। रामचंद्र जी बताते हैं कि जीवन को कैसे एक पत्नी के साथ निभाना है। कृष्ण का इसमें तो शादियां तो 16,108 तो ऑफिशियल, उसके अलावा गोपियों के साथ रासलीला किया वो अलग, एंड बिलियंस ऑफ गोपीज आर देयर। सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड? रामचंद्र जी कह रहे हैं कि हमको कैसे जीवन निर्वाह करना है ये हमको सिखाया है, और भगवान क्या चीज है ये कृष्ण बता रहे। वॉट इज द ग्रेटनेस ऑफ गॉड, वॉट कृष्ण कैन डू, वॉट गॉड कैन डू, यू कैन नॉट डू दैट। ही कुड एक्सपैंड हिमसेल्फ टू द नंबर ऑफ गोपीज, कैन यू एक्सपैंड? ही कुड डू, you know, he could kill all the rakshasas without weapon. पर इधर रामचंद्र जी हाय तोबा करते घूम रहे हैं जंगल में, हाँ, जैसे उसको पता नहीं रावण लेके गया, हाँ, या बोलते हैं एक पत्ता भी हिल नहीं सकता विदाउट द मर्सी ऑफ द लॉर्ड, एंड अगर वो भगवान है तो उनके मर्सी के बगैर, उनके मर्जी के बगैर सीता को किडनैप कर सकते हैं, बट फिर भी हुआ ना, मतलब उन्होंने उनका you know, he agreed to that or his permission was there. That is why they could do that. So what do we understand from all this? One has to understand Ram Leela or Ram Charitra jo hai, usko humko jeevan mein utarna hai. Aur Krishna ka charitra humko jeevan mein utarna nahi, uska gunagan gana hai aur humko janma mrityu ke chakkar se bahar nikalna hai. That is the difference. Krishna ka da humko pavitra karta hai. और जीवन कैसे निर्वाह करना है वो रामचंद्र जी का, मगर लोग हमेशा उल्टा करते लोग हमेशा उल्टा करते हैं, दे ट्राई टू डू द ऑपोजिट। सो प्लीज अंडरस्टैंड, सो व्हेन दिस पर्सन वाज डिस्ट्रीब्यूटेड ही वाज वेरी हैप्पी, देने के बाद खुश हो गया दशरथ महाराज, क्या दिव्य पुत्र प्राप्त हुए, बिकॉज ही वाज वेरी श्योर ही कुड सी दोस ऑल दोस wives bright, they were effulgent and they were shining. So he understood why I'm going to have great children. And then on Navami Tithi Punarvasu Nakshatra, Lord Ramchandra ji was born. And all next Ailyam mein, Ailya Nakshatra mein Lakshmani ji paida hue, aur Pusa Nakshatra mein पुष नक्षत्र में भरत पे, तो ऑल दिस नक्षत्र द सेम डे और ऑन द डिफरेंट डे, डिफरेंट नक्षत्र में हुए थे, दिन एक ही था, दिन नहीं, पाद अलग था, मतलब मॉर्निंग अलग पाद रहता है, रामचंद्र जी सुबह पैदा हुए, कृष्ण भगवान रात को भरत पे। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूं कि राम जी भरत जी शत्रुघ्न लक्ष्मण, वन डे तो they all were born and everyone was very happy. Finally, Vashishtha Muni's tapasya of so many years of service, quietly doing a donkey's job. No? This is called as donkey's job. But he was doing that with one intention, ek ichha thi unki, ki ek na ek din Bhagawan ka naam Ram, main naamkaran karunga. That's a great thing. No? Bhagawan ka naamkaran kisi ko karne milta hai, so it's a great thing. Unhone Bhagawan ka naamkaran kiya. ये राम रहेगा, ये लक्ष्मण रहेगा, ये भरत रहेगा, ये शत्रुघ्न रहेगा, सबको नामकरण दे दिया।
उसका भी विस्तार है, अगर वो देते रहूंगा तो एक एक क्लास में एक चैप्टर ही होगा, मतलब यू कांट गो टू द नेक्स्ट चैप्टर, कांड तो दूर की बात है. तो इट इज लाइक भागवतम, सो हर जगह रस है, हर जगह उसका कुछ ना कुछ तात्पर्य है, बट आई एम जस्ट गोइंग टू द ओवरऑल प्रीव्यूज ऑफ इट. तो जब रामचंद्र जी पैदा हो गए तो उनकी फिर बाल लीलाएं शुरू हुई. रामचंद्र जी कितनी बाल लीलाएं हैं? कम है, बट कौन सी लीला है आपको पता है? हाँ, वो तो रामचरितमानस, वो वाल्मीकि रामायण में नहीं, वो रामचरितमानस में काकभूषणी वाला लीला है. वो रोते थे तो ये शुड पुट देम इन द क्रेडल्स. हाँ, वेरी गुड. राम और लक्ष्मण को साथ में रखते तो रोना बंद हो जाता था, और भरत और शत्रुघ्न को साथ में रखते तो रोने का रोना बंद हो जाता था. अलग अलग क्रेडल में रखें तो पालने में रखें तो रोते थे. इसके अलावा नो उल्लेख ऑफ दैट इन वाल्मीकि रामायण. हाँ, वो भी वापस रामचरित मानस है. That is not of Valmiki. मून शैडो जो बना वो तो कृष्ण को भी दिखता है, चंद्र सरोवर के पास है वो. सी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट याद रखना, आप सबकी लीलाएं कितनी है? बाल लीला कुछ है? कितने राक्षसों को मारे आपने? कितने पहाड़ को उठाया आपने? एकाध पर्वत को उठा लिया होगा आप लोगों ने भी, या कितनी पूतनाओं को मारे? 7 दिन का बालक ने पूतना को मारा, 5 दिन, सॉरी 5 डेज का बालक ने पूतना को मारा. आपने ऐसा कुछ किया? क्यों? हम क्या है? मनुष्य हैं, और भगवान भी आप कौन से रोल निभा रहे हैं? मनुष्य क्या रोल कर सकता है, क्या लीला कर सकता है? यहाँ चीची कर सकता है, वहां चूचू कर सकता है, वही कर सकता है, और क्या कर सकता है? बच्चे के रूप में और क्या करेगा? नथिंग बिग. माँ बाप खुश हो जा रहे, मेरा बेटा खड़ा हो गया, अरे मेरा बेटा चलने लगा, अरे मेरा बेटा चलने लगा है, अभी हाथ पकड़ के चल रहा है, हाथ छोड़ के चल रहा है, व्हाटएवर इट इज. पेरेंट्स आर एक्साइटेड, बट देयर इज नथिंग ग्रेट. सो रिमेंबर, रामचंद्र जी बाल लीला इज वेरी वेरी शॉर्ट. इट इज हार्डली इन फ्यू श्लोकास इट गेट्स ओवर, बिकॉज he wanted to play a role of a human being, and human beings do not do anything extraordinary, whereas by the time we come to Krishna comes to Mathura, what is his age? 11 years he is killing, and by that time 11 years tak, if you see the volume of shlokas to be covered na, it's huge. That is God. उन्होंने रासलीला कर लिया, उन्होंने गोवर्धन उठा लिया, उन्होंने क्या क्या लीलाएं नहीं की, यू नेम इट, ही डिड ऑल दैट. दैट इज व्हाई ही वांट्स टू शो दैट आई एम गॉड, एंड इट इज द भगवत गीता, मैं भगवान हूं. अगेन एंड अगेन सेइंग मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, आई एम द ग्रेट, आई एम द ग्रेट. सम पीपल से इट्स ऑटोक्रेट, अपनी बड़ाई कर रहा है. अरे भगवान है वो जो बड़ा है, जो बड़ा नहीं है वो जब अपनी बड़ाई कर सकते हैं इस धरती पे, जो स्वयं बड़ा है वो अपनी बड़ाई क्यों नहीं करे, है कि नहीं? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आफ्टर द बाल लीला वॉज ओवर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीला स्टार्ट. हार्डली लॉर्ड हैज जस्ट 16 years, नॉट इवन कंप्लीटेड 16 years, लेस देन 16 years. इट इज नॉट मेंशन्ड इन वन ऑफ द श्लोकास. एंड दशरथ महाराज इज थिंकिंग, मेरा लड़के का शादी होना चाहिए. 16 साल के लड़का हुआ तो हुआ नहीं है उसका शादी के बारे में, बिजनेस सेट था ना, पिताजी के बिजनेस में बैठना था तो उसको टेंशन नहीं था. आजकल माँ बाप का बच्चों को क्या टेंशन है, अरे बेटे को सेटल पहले करे, बाद में नौकरी का दे, पहले छोकरी का देते हुए देखेंगे. ये लड़की भी पहले पूछेगी भाई क्या पैकेज है आपका. तो राजा का दैट वॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ अवर सनातन धर्म, हर कोई व्यक्ति अपना व्यवसाय फिक्स्ड था, अब किसी का कोई व्यवसाय फिक्स नहीं. अब ट्रेंड चल रहा है वो आईटी 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 चलो
नहीं 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 एरोनॉटिकल्स में एरोनॉटिकल्स अरे अरे नहीं नहीं वी विल गो टू शेयर मार्केट टू शेयर मार्केट सो इट इज ऑल नो रनिंग लाइक हॉर्स लाइक डोंकीज इट इज नॉट हैविंग एनी सेंसिबल अप्रोच बस अब ये फील्ड को इंपॉर्टेंस है अब सब एआई की तरफ भाग रहे हैं एआई इज गोइंग टू बी अ बूमिंग मार्केट व्हाट इज दिस बट इट वॉज वेरी क्लियर यू आर अ कारपेंटर योर सन वुड बी अ कारपेंटर हिज सन वुड बी अ कारपेंटर यू आर अ डॉक्टर योर सन वुड बी अ डॉक्टर हिज सन वुड बी अ डॉक्टर यू आर वैद्य था तो वैद्य होता था यू आर अ बिजनेसमैन आप कृषि गोरक्षा वाणिज्य कर रहे हो तो वही करता था सो दे हैड नो टेंशन फार्मर था तो फार्मिंग करेगा सो दैट इज व्हाई दे कुड थिंक ऑफ मैरिजेस दोस डेज नाउडेज देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मैरिजेस सेटल करियर सेटल करने के चक्कर में पूरा आयु चली जा रही है दिस इज द ड्रॉबैक इन कलयुग इट्स नॉट आई एम नॉट ट्राइंग टू से दैट दिस बैड दीज आर द ड्रॉबैक्स इन कलयुग प्लीज अंडरस्टैंड दैट ये कलयुग का ये मतलब शॉर्टकमिंग्स है सो दर्शन महाराज यह सोच रहे इतने में द्वार पे एंग्री यंग मैन कौन है विश्वामित्र मुनि आ गए जाके बोलो राजा को हम आए हैं तो वो लिखा है वाल्मीकि रामायण लिखा है डर गया बेचारा वॉचमैन भी डर गया भाग के गया अंदर राजा ये स्कम विश्वामित्र ये स्कम राजा वॉज नॉट रेडी वॉज गेट हिम इन वैष्णमुनि जाओ जाओ मैंने जाऊंगा वैष्णमुनि का पहले छत्तीस का आंकड़ा था एकदम झगड़ा मैंने जाऊंगा जाओ तो रहते में विश्वामित्र मुनि आए स्वागत किया पैर पड़े आइए बैठिए जो भी है आचमन करवाया जो भी है उनका जो सिस्टम है उसे करवाया उसके बाद उन्होंने बोला कि आप महान व्यक्ति हो आपका सेवा करना मेरा परम धर्म है आप जो सेवा बोलेंगे मैं करूंगा दिस दैट एवरीथिंग दशरथ महाराज से खुश हो गया विश्वामित्र मुनि अपने मुंह से फंस गया अभी तो कुछ मांगा ही नहीं था इसने आपका जो भी डिमांड हो मैं पूरा करूंगा यू वर राजा था ही न्यू बट ही नेवर न्यू व्हाट इज गोइंग टू आस्क ही सेड सी आई एम डूइंग अ यज्ञ एंड एवरी टाइम आई डू अ यज्ञ few rakshasas are coming and disturbing my dirt, spoiling my ragya. So, aapko, mujhe aapka putra chahiye, Ram. He doesn't specify about Lakshmana, but it is free. One pay one free. So, Ram ke saath Lakshman is free. Inseparable. So, jaise Ram ka naam suna, Dashrath Maharaj unconscious. 45 minutes, huh? Not 1 minute, 2 minutes. 45 minutes is unconscious. He gains consciousness. And then he says, Vishwamitra, what have you asked? You asked my life, mera pran. Ek to itne saal bachcha nahi tha. Itna bada havan havan karke ab jaake bachcha aaya hai. Aur wo bhi tum maang rahe. What is this? Ab tak 16 saal ka nahi hua. And in those days, minimum, jaisa aajkal 18 saal ke ladkon ko voter ID hai na. You have to be to vote, you need a minimum age of 18. तो वहां पे मिनिमम एज वॉज 16 टू गो टू वॉर मतलब अभी तक 16 का नहीं हुआ ये वॉर क्या करेगा एंड भगवान कहते हैं अपना दशरथ कहता है मेरा बेटा राजीव लोचना मतलब लोटस आइड मेरा पुत्र लोटस कमलों की आंखों की तरह है दूसरा मतलब ये है कमल रात्र होते ही और सूरज उगते ही तो मेरा पुत्र तो बच्चा है जैसे ही रात को सूरज डूब जाएगा बच्चे की तरह सो जाएगा राक्षसों के युद्ध क्या लड़ेगा हाउ कैन यू फाइट विद द राक्षस आई विल नॉट गिव यू माय सन 10 minutes मोर इज इट ओके विल जस्ट कंप्लीट दिस एपिसोड एंड देन दिस इज आई कैन नॉट गिव माय सन You just now kept made a promise that whatever I require, you will give. Vishwamitra Muni asked. And now you are saying, you will not give. Aap nahi doge keh rahe ho. Ye kaisa hai? How is it? Maine aap chaho to mujhe leke jao. Teri akshani sena hai, wo leke jao. Main bhi apni akshani sena ke saath aata hu. Matlab he is trying to say, main bade devtaon ke saath asuron ko ladaun. I am trained for that. Mujhe leke jao.
तुम्हारा लड़का करेगा, तुम नहीं। एक्चुअली विश्वामित्र मुनि हैड कम टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या था उसका? शादी का प्रॉब्लम सॉल्व करने आया, बट दर्शन महाराज को समझ में नहीं आ रहा, नहीं मैं नहीं दूंगा अपना पुत्र को, नहीं दूंगा दोनों में। एंड में विश्वामित्र मुनि ने एंड में बोला, सुखी रहे तू। जब ऐसा कोई सुखी रहे बोलता है ना, समझ आने का सुखी रहे, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं जाता हूं, मैं सुखी है, तूने जो बोला है भले वो पूरा नहीं किया, मैं तुझे ना श्राप दे रहा हूं ना आशीर्वाद दे रहा हूं, इसे सुखी भव। तो दैट वॉज अ वेरी डाइसी वे ऑफ सेइंग, एंड ही से सी यू टेल मी फर्स्ट फॉरमोस्ट यू टेल मी हु इज द राक्षस हू इज ट्रबलिंग मी। दिस इज द राक्षस हू इज ट्रबलिंग मी इज कनेक्टेड टू रावण। रावण को तो मैं भी लड़ नहीं सकता हूं, मेरा बच्चा कहां से लड़ेगा, मैं नहीं दूंगा। सब होने के बाद जब विश्वामित्र मुनि वॉज रिटर्न अबाउट टू रिटर्न टू गो बैक वॉज जस्ट वेटिंग, इतने में वशिष्ठ मुनि ने उनको साइड में ली, बोला राजा आ जाओ साइड, ये जो कर रहा है ना वो सही कर रहा है, आपके पुत्र को भेज दो। क्यों? ये कौन है? ये ब्रह्म ऋषि है, ये चाहे तो राक्षसों को अपने तपोबल से ही मार सकते हैं, फिर भी मार नहीं रहे हैं क्योंकि इसके पीछे कुछ और कारण है। तो इसमें आचार्यगण बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन पूछते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, डू यू थिंक विश्वामित्र मुनि कुड हैव नॉट किल्ड दोस असुरस? देन व्हाई ही डिडंट किल? ओके, व्हाट एल्स? ही वांटेड टू स्पेंड टाइम विद द लॉर्ड असुरस। ओके, असुरस टू लॉर्ड रावण लाइक आफ्टर ओके गेटिंग दिस ओके देयर इज अ हां वो जो एक ऋषि ने बैठ के ऊपर चढ़ रहे थे अहिल्या अहिल्या हां वो ऋषि का वो है नहीं मतलब याद उनको भी हाँ ठीक है वो सब बाय प्रोडक्ट है। क्षत्रिय धर्म मतलब राक्षसों को मारना और ये सब नहीं नहीं माई क्वेश्चन इज माई क्वेश्चन नहीं माई क्वेश्चन इज डिफरेंट। सी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इन एनी यज्ञ इवन टूडेज डेट ऑल्सो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द यज्ञ कुंड उसमें यू नो देयर इज लाइंस व्हिच आर ड्रॉन ऑन ऑल द फोर साइड्स ऑफ द यज्ञ कुंड so that nothing can enter that, मंत्रों से उसको कवचित बनाया जाता है। तो विश्वामित्र को क्या यज्ञ बना करना नहीं आता था क्या? He could have done the quarantining of the entire zone, but please understand who are these rakshas? Rakshas का क्या definition दिया है रामायण में? निशाश्चर, निशा मतलब रात, चरा मतलब घूमने वाला, चरने वाला। तो रात को जितने भी घूमते हो याद रख लेना, जो रात को 11 बजे के बाद जो भी कहां भी मॉल में पिक्चर में होटल में जो घूमते हैं प्लीज कॉल योरसेल्फ एज निशाचर, रात को घूमने वाले राक्षस। दूसरा, दीज राक्षस वर कमिंग एंड व्हाट दे वर हाउ दे वर अटैकिंग फ्रॉम द स्काई। बोलो वायु मार्ग से ऊपर से आके ऊपर से यूरिन पस स्टूल मांस देयर इज मांस फ्लैश ब्लड ये सब डाल देते थे ताकि यज्ञ बिगड़ जाए। एंड अनदर प्रॉब्लम वॉज जब यज्ञ चलता हो ना तब ऋषि एक मौन व्रत धारण कर लेते, वो किसी से बात नहीं कर सकता और इस चीज का राक्षसों को अच्छी तरह से खबर, इसका ज्ञान था राक्षसों को। इसके लिए जानबूझ के यज्ञ के आखिरी दिन में ऊपर से आके वो पूरा चीज बरसा के सत्यानाश करते, बस उस टाइम पे अगर मुंह खोले तो उनका पूरा तपोबल चला जाएगा। सेकेंडली दैट इज द फर्स्ट नो कुछ अनुष्ठान होते हैं बिफोर यू स्टार्ट द यज्ञ, देयर आर सम वाउस व्हिच यू हैव टू टेक बिफोर स्टार्टिंग, उसमें से वन ऑफ द वाउ इज यू शुड नॉट ओपन योर माउथ। सो दीज कंडीशंस इन तकलीफों के वजह से विश्वामित्र मुनि यज्ञ नहीं कर पाते। ये बात तो सही है जो आपने कहा, यस अहिल्या का उद्धार करना या उनका विवाह करना ये सब तो था ही, बट चलो उनको अस्त्र शस्त्र भी देना था ठीक है मान लिया, बट द मेन पर्पस वॉज ही वॉज नॉट एबल टू हैंडल दिस सिचुएशन बिकॉज ऑफ दिस लिमिटेशन, दीज आर द लिमिटेशन। तो उन्होंने क्या किया,
तब वशिष्ठ मुनि ने बोला कि भाई इनको भेज दो, ये आपका पुत्र का कल्याण ही करेगा और इसमें आपका पुत्र को फायदा होगा। जब भी कोई अपना बच्चे को कब भेजेगा, जब उसके बच्चे को कुछ फायदा, मतलब ये ऐसे कुछ अस्त्र शस्त्र दे देगा इसके वजह से आपका बच्चा बहुत बलशाली हो जाएगा। बिकॉज नाउ ही इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ वेरी वेरी कॉमन मैन, मतलब कॉमन मैन इज ऑलवेज बलहीन, कोई भी बल नहीं है उसके पास, ना शरीर का बल, ना धन का बल, ना दिमाग का बल, कोई भी बल नहीं है उसके पास। नेक्स्ट डे व्हाट डज ही डू, इमीडिएटली सॉरी नेक्स्ट मिनट इटसेल्फ धर्म अपना दशरथ महाराज से, ठीक है आप मेरे पुत्र को ले लीजिए। तो रामचंद्र जी तैयार होके बाहर आते हैं, बोलते हैं बेटा आप इनके साथ जाओ, पीछे पीछे लक्ष्मण भी हारा, मेरे भाई जहां जाएगा मैं भी जाऊंगा। ठीक, तो दोनों को लेके विश्वामित्र मुनि निकल पड़ते हैं, निकल पड़े दूर चले, डेढ़ योजन तक चले और जाके उस दिन सरयू का किनारा, मतलब इसका किनारा आ गया था, नदी का किनारा आ गया था, गंगा किनारा आ गया था। तो उधर दोनों आराम करने का, नो डायलॉग वॉज स्पोकन बिटवीन विश्वामित्र मुनि एंड रामचंद्र जी एंड लक्ष्मण, गपचुप चल रहे थे दोनों बच्चे, पीछे चल रहे थे, आगे मुनि चल रहे थे। इस पे आचार्यों का व्याख्यान है कि विश्वामित्र ये सोच रहे थे कि मेरा कट्टर जानी दुश्मन कौन, वशिष्ठ मुनि ने उसका नाम रखा है राम और मुझे राम नाम लेना नहीं है। ठीक है, आचार्य गण का भाव है कि मुझे राम का नाम, सीधी बात है, मेरे दुश्मन ने नाम दिए वो नाम से कुछ और नाम से पुकारो, पर सोच रहा है क्या नाम से पुकारो, क्या नाम से, डेढ़ योजन चल गए उनको दूसरा नाम याद में नहीं आया। ही कुड नॉट रिकलेक्ट अ इक्वली पावरफुल और अ गुड नेम इक्वल टू राम नाम। एंड में थक खाक कर रामचंद्र जी को बोला, हे राम यही रुक जाएंगे रात, कुछ नहीं बोलने वाला व्यक्ति रात तक कुछ नहीं बोला। एंड देन उसके साथ फिर बातचीत करने लगे, कहते हैं कि वहां उन्होंने संध्या वंदन की और फिर घास का एक बेड, छोटे से सूखे घास का एक बेड बनाया, और बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, माँ की लोरी कहानी सुनने का आदत है, तो कहते हैं विश्वामित्र मुनि ने रात भर उनको कहानियां सुनाई, जैसे छोटे बच्चों को कहानी सुनाते ना उस तरह कहानियां सुनाई, और फिर सो गए, तो दोनों बच्चे सो गए। एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही वेक्स हिम अप विद अ वेरी फेमस श्लोका, कौशल्या सुप्रजा रामा पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरसा दूला त्रैलोक्यम मंगलम कुरु, दिस इज द वेंकटेश सुप्रभातम विजय सुप्रभातम से हर रोज तिरुपति बालाजी और बहुत सारे आपके श्री वैष्णव टेम्पल्स में इसी वेंकटेश सुप्रभातम बोलते हैं उससे उठाया, उस पर भी व्याख्यान है। आई मीन मैं अभी टू मिनट्स मोर, इसे कौशल्या सुप्रजा रामा, सुप्रजा हे कौशल्या के अच्छे पुत्र, क्या वो सोच रहे हैं बच्चे को मैं कैसे उठाऊं, हे राम मम्मी कैसे उठाएगी, हे उठ जा स्कूल जाना है लेट हो गया, मम्मी स्टार्ट्स लाइक दैट ना, ऐसे ही बोलती है मम्मी, कैसे बोलती है सुबह उठ के बराबर ना, ऐसे बोलती है ना मम्मी, उठ उठ लेट हो गया, मार के बोलती है उठ 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 उठ। बट विश्वामित्र मुनि वॉन्टेड टू मेक द चाइल्ड फील नॉट मिस द मदर, That's why he calls him, addresses him as Kaushalya Supraja. Kaushalya ka putra hai. He didn't say Dashrat Nandan Urja. He could have called him as Dashrat Nandan, Raghu Nandan. Usne kuch nahi bola. Unne kya bola? Kaushalya Supraja Rama Purva Sandhya. Purva Sandhya matlab earlier Sandhya. Pravart de over. Uttisht, uttisht. Narsadur. Hey, manushya mein jo sher hai. Uth. त्रैलोक्य मंगलम गुरु, तीनों लोकों में मंगल कर, भगवान उठो और मंगल करो, he says get up and he wakes him up, and that is how those two children get up and do the sandhya vandan, and then he gives them the bala, ata bala, ati bala, and then the journey goes ahead which we will discuss in the
possible in the next class, or we will continue with the Bhagavata. Okay, this will like to close today's class. Anybody has got any doubts, questions, or anything to ask?